भाजपा को इंडिया के नाम से समस्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एक और नोटबंदी कर दे। हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो बदल दे उसका नाम और कर दे नोटबंदी। ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात करने अजय राय ने कहा कि रायबरेली उनके नेता सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वह यहां उनके सिपाहियों से मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करने पहुंचे हैं। उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा कि इस बार फिर यहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़कर पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। अमेठी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वहां स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के 80 सीटों पर जीत वाले बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले घर के भीतर शराब पिलाने और जुए का अड्डा चलाने वाले अपने मंत्री को देखें, पार्टी फिर वह 80 सीटें जीते। अरे ये रायबरेली के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है। हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी यहाँ की सांसद हैं। हम सबका सौभाग्य है कि मैं उनके क्षेत्र में आया हूँ और उनके जो मजबूत स्तंभ लोग हैं, उनके जो सिपाही हैं, जो उनके सैनिक हैं, उन सब लोगों से मिलने का और उन सब लोगों से एक आगे की कैसी योजना बने पार्टी की, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है हम 80-80 सीटें जीतेंगे, उसमें रायबरेली भी शामिल, उसके लिए बहुत होमवर्क किया जा रहा है, तो पार्टी की तरफ से क्या होमवर्क? अरे पहले अपने मंत्री के घर को देखें ना, कौशल किशोर को घर को देखें, वहाँ जुआ हो रहा है, वहाँ शराब पिया जा रहा है, उनके भाजपा कार्यकर्ता की हत्या मंत्री के घर के अंदर हो रही है। पहले अंदर अपने गिरेबान में तो झांकें, 80-80 भूल जाएं वो, और अमेठी राय भूल जाएं। अब पहले देखें श्रीमती स्मृति ईरानी को संभालें वो, इस बार जमानत जब्त होने वाली है अमेठी में। ये रायबरेली गांधी परिवार के साथ रहा है और हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया और भारत को लेकर आजकल बड़ा विवाद चल रहा है। अभी इंडिया और भारत हमारे लिए, इंडिया ये भी गर्व की बात है, उस देश के हम नागरिक हैं और भारत भी हमारा, हिंदुस्तान हमारा है। ये भाजपा के लोगों के लिए होगा। अभी जब गठबंधन का नाम इंडिया हो गया, उससे ये परेशान हो गए, अब इनको उसमें भी विभेद पैदा कर रहे हैं। हम सब इस देश के नागरिक हैं, इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इस हिंदू इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हम सबको गर्व है। ये उनको दिक्कत होगी, हम सब गौरवान्वित हैं इंडिया और भारत में रहते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।